Welcome to Netsar. Hamari previous video famous drinks of the world ke overwhelming response ke baad hum is video mein aapke liye laaye hain famous dishes of the world. Is video mein hum aapko kai deshon ki popular vegetarian aur non-vegetarian dishes se introduce karwayenge. Chaliye shuru karte hain Switzerland se. Switzerland ki cheesy vegetarian dish fondue apne social aspect ke liye kafi mashhoor hai. यह एक मेल्टेड चीज का पॉट है जिसे बर्नर के इस्तेमाल से गर्म रखा जाता है और जिसमें ब्रेड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डालकर खाया जाता है। हमारी नेक्स्ट डिश आती है टर्की से, नॉन वेजिटेरियन डोनर कबाब। मीट को एक वर्टिकल रोटिसेरी पर ग्रिल किया जाता है और फ्लैट ब्रेड सॉस और वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया जाता है। टर्की का यह डोनर दुनिया भर में इतना फेमस है कि अकेले जर्मनी में मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग स्टोर से ज्यादा डोनर शॉप्स हैं। मेक्सिको की मोले पोब्लानो सॉस है हमारी नेक्स्ट पिक। इस क्लासिक सॉस में करीब 20 इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। स्पाइसेस जैसे लौंग और चिलीज, पीनट्स और यहाँ तक कि चॉकलेट्स भी। हालांकि यह सॉस एक वेजिटेरियन सॉस है, इसे नॉनवेज के साथ भी सर्व किया जा सकता है। आइए चलें इंग्लैंड की ओर, जहाँ का ट्रेडिशनल ब्रिटिश संडे रोस्ट यहाँ के रोस्ट बीफ और रॉकशायर पुडिंग के बिना अधूरा है। यह सिंपल पुडिंग एग्स, आटे और मिल्क के साथ बनाई जाती है। यह इंग्लैंड में इतना फेमस है कि हर महीने करीब 1 लाख यूनाइटेड किंगडम के लोग यॉर्कशायर पुडिंग की रेसिपी इंटरनेट पर सर्च करते हैं। नॉर्थ और साउथ कोरिया का वेजिटेरियन सैलेड किमची दुनिया में 5 हेल्दीएस्ट फूड्स में से एक है। इस फर्मेंटेड साइड डिश में कैबेज, रेडिश और मसाले डाले जाते हैं। किमची कोरियन लाइफस्टाइल का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोरिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट अपनी पहली स्पेस यात्रा पर किमची अपने साथ लेकर गई थी। स्पेन में फेमस है टॉर्टिला एस्पिनोला। इस डिश का मैक्सिकन टॉर्टिला के साथ कोई लेना देना नहीं है। दरअसल यह एक फ्राइड ऑमलेट है जो एग्स, अनियंस और पोटैटो से मिलकर बनाया जाता है। इससे ठंडा या गर्म दोनों तरह से खाया जा सकता है और टॉर्टिला दे पटाटास भी कहा जाता है। कनाडा की चीजी वेजिटेरियन स्नैक पोटीन है हमारी नेक्स्ट डिश। क्यूबेक की भाषा में पोटीन का मतलब है मेस या अव्यवस्था। ऑथेंटिक पोटीन के लिए सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स काफी हैं: फ्रेंच फ्राइज, चीज कर्ड और ग्रेवी। यह जितना अव्यवस्थित होता है उतना ही टेस्टी भी। चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आइसलैंड के स्नैक हकाल की ओर। हकाल ग्रीनलैंड शार्क से बनता है और इसे 4-5 महीने की मेहनत के बाद खाने लायक बनाया जाता है। नेपाल की पॉपुलर डिश दाल भात है हमारी नेक्स्ट चॉइस। यह वेजिटेरियन डिश काफी सिंपल है और इसमें उबले हुए राइस और दाल का मिक्स किया जाता है। इस डिश के इतने वेरिएशंस होते हैं कि 2 दाल भात कभी टेस्ट सेम नहीं करते। जब इसे वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया जाता है तो इसे दाल भात तरकारी भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड की डिश हैगिस एक वियर्ड नॉन वेजिटेरियन डिश है। इस डिश में शीप की बॉडी पार्ट्स, लिवर्स, लंग्स और हार्ट को मिंस करके अनियंस और ओटमील के साथ बनाया जाता है। इस मिक्सचर को शीप के स्टमक में डालकर पकाते हैं। यह डिश न्यू ईयर्स पर काफी पॉपुलर है, जिसे स्कॉटलैंड में हॉगमेने कहा जाता है। न्यूयॉर्क का सिनफुल चीज केक एक्चुअली एक ट्रेडिशनल केक नहीं कहलाया जा सकता। दरअसल यह एक क्रस्ट वाली कस्टर्ड पाई की तरह है। ऐसा माना जाता है कि 776 BC में ओलंपिक एथलीट्स को एनर्जी के लिए चीज केक प्रोवाइड करवाया गया था। तो आप न्यूयॉर्क जाएं तो इस फेमस डिश को बिल्कुल मिस ना करें।
ग्रीस का फेमस नॉन वेजिटेरियन ग्रिल रैप येरो है हमारी नेक्स्ट चॉइस। यह डिश का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा मिसप्रोनाउंस्ड फूड्स नेम्स में से एक है। इसे गायरो नहीं येरो प्रोनाउंस किया जाता है। इस डिश में वर्टिकल रोटिसेरी पर पकाए गए मीट को पीटा ब्रेड, चीज, टमेटोज, अनियंस और ज़ात्ज़िकी सॉस के साथ सर्व किया जाता है। मलेशिया का फेमस वेजिटेरियन होलसम ब्रेकफास्ट नासी लिमाक है हमारी नेक्स्ट फेमस डिश। इस नेशनल डिश में कोकोनट मिल्क और पैंडान लीफ से बनाए गए राइस होते हैं। इस डिश को काफी सारे गार्निशेस के साथ सर्व किया जाता है, जैसे पीनट्स, क्यूक्यूम्बर और मलेशिया की पॉपुलर सैम्बल हॉट सॉस। इसके साथ आज की हमारी ये वीडियो आती है समाप्ति के करीब, लेकिन जाने से पहले हमारी तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सी डिश को इस लिस्ट में शामिल करते हैं। नेट्सार की ओर से बॉन एपिटेट।